चुनाव लाइव हर जुर्म का पर्दा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर आज बुधवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के दिग्गजों द्वारा चुनाव की कमान संभालते हुए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। करौठा विधानसभा से बीकेपी के प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत के पक्ष में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सभा स्थल नगर के किला गेट के पास रामलीला मैदान में प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीकेपी की नीतियों और योजनाओं के विस्तार से जानकारी देते हुए पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने गरौठा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार जवाहरलाल राजपूत की सराहना करते हुए द्वारा लखनऊ भेजने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया है। महिलाओं को सुरक्षा दिलाई, गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी बताया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री एवं योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप अपने अमूल्य मत से मोदी और योगी के सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अपने बाहुबल धनबल के आधार पर भूमाफिया बनकर गरीबों का शोषण करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा की है। बीजेपी सरकार ने गरौठा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16,000 लोगों को आवास तथा 43,362 लोगों को वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन देने का काम किया। उपमंत्री ने गरौठा विधानसभा के प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की।